अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैंने अपनी अभी पिछली वीडियो में एक बात बताई थी कि रीपोस्ट अगर आप करते हैं तो टिकटॉक के ऊपर, ये टिकटॉक मैंने खोला हुआ ना, अगर आप इस पर रीपोस्ट करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाता है। मतलब कि आपके जो टिकटॉक होते हैं, आपकी जो वीडियोज़ अपलोड हुई होती हैं उनके साथ वो शो होना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी का शो ना हो तो उसको क्या करना चाहिए, उसके मसले का हल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जाएँ अपने प्ले स्टोर में, ठीक है, आप ये देखें कि टिकटॉक लिखेंगे ना यहाँ पे, जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे वो अपडेट है या नहीं है। अगर वो अपडेट है तो आपका रीपोस्ट शो होगा आपके टिकटॉक पे, अदरवाइज़ वो रीपोस्ट शो नहीं होगा। इस तरह ट्विटर में भी होता है, इस तरह इसमें टिकटॉक, दोनों जगहों पे होता है, सेम होता है, ठीक है। अगर आपका कोई भी सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं है तो आपकी वो चीज़ें काम नहीं करेंगी जो कि नए फीचर्स आ रहे हैं नई एप्लीकेशंस में। तो इसके लिए आपको अपने जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको देख लेना चाहिए, थ्रू वाईफाई या थ्रू डाटा आपको उनको अपग्रेड कर लेना चाहिए, अपडेट कर लेना चाहिए। अगर कुछ लोगों का अपडेट नहीं होता तो उसको अनइंस्टॉल करें, अनइंस्टॉल करने के बाद उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लें, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो भी नई अपडेट्स आती हैं, नए वर्जन जो भी आते हैं जिस चीज़ के भी, तो वो उसके अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं किताबों के ऊपर लिखा होता है फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, और इसके बाद फिर कई होता है थर्ड के बाद फाइनल एडिशन आ जाता है, किसी का फोर्थ के बाद फाइनल एडिशन आ जाता है। तो ये एडिशन्स क्या होते हैं कि मतलब उसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड की जाती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, जो माइनर माइनर जो हम लोगों को नहीं पता लगती, वो चीज़ें उसके अंदर ऐड कर दी जाती हैं। इसी तरह इन ऐप्स के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्रॉब्लम्स होती हैं या नए कोई फीचर्स आते हैं तो फिर उसके एडिशन आते रहते हैं, उसके वर्जन, मतलब एंड्रॉयड की लैंग्वेज में या iOS की लैंग्वेज में उसको वर्जन बोलते हैं, तो नए नए वर्जन आते रहते हैं, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इनको अपडेट कर लेना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो कि अगर आपका किसी का टिकटॉक का रीपोस्ट शो नहीं होता तो आप उसको अपडेट करें, आपको पास शो हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, नहीं लगे तो कमेंट में बताइएगा कि क्या कमी थी इसके अंदर। थैंक यू सो मच।